हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए कल जो मीटिंग हुआ उसका जो अपडेट था, उन्होंने पोखरियाल सर ने तुरंत तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने रात में अपने ट्विटर हैंडल पर जो लिखा उससे ये साफ समझ आ रहा है कि वो एग्जाम्स को कैंसिल करना नहीं चाहते हैं, वो एग्जाम को कैसे भी करके लेना चाहते हैं। लेकिन वो कैसे लेंगे, अब ऑफलाइन तो ले नहीं सकते, ये सारी दुनिया समझ रही है, सारी इंडिया समझ रही है। लेकिन वो अब ऐसा दिख रहा है उनकी बातों से कि वो ऑनलाइन एग्जाम लेना चाहते हैं। मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी, उन्होंने जो अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है उससे ये साफ साफ समझ आ रहा है कि अब एग्जाम शायद ऑनलाइन हो सकते हैं। देखिए उन्होंने क्या लिखा है कि मैं सारे स्टेट के सेक्रेटरीज से जो भी सिचुएशन है अभी कोविड की उसके सिलसिले में उन्होंने जो भी डिस्कशन किया है, और एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, यानी कि शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है, और इसके लिए उन्होंने ये सोचा है कि एक एक्शन प्लान बनाना है जो कि अनइंटरप्टेड एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि अनइंटरप्टेड एजुकेशन का मतलब है कि बिना रुके थमे शिक्षा को आगे बढ़ाना है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। तो देखिए उन्होंने और भी ट्वीट किया है, उन्होंने सजेशन मांगे हैं सारे जो शिक्षा सचिव हैं उनमें से, और उसमें से दो सजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत नेट टू कनेक्ट ऑल द स्कूल, सारे स्कूलों में स्कूलों को नेट से कनेक्ट किया जाएगा, यानी कि सारे स्कूलों को नेट इंटरनेट से कनेक्ट किया जाएगा, प्लस प्रोवाइड डिजिटल डिवाइसेस टू सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट, यानी कि जो सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन है यानी कि क्लास 9 से लेकर 12th वाले बच्चे, उनके लिए डिजिटल डिवाइस प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि उनको जो है डिजिटल डिवाइस का मतलब क्या है, जिससे आप नेट कनेक्टिविटी कर सके, जिससे आप नेट की सुविधा को लेते हुए आप अपनी पढ़ाई को कर सके। तो इस तरीके से उनका विचार चल रहा है, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि वो एग्जाम ऑनलाइन ले सकते हैं क्योंकि नेट कनेक्टिविटी की बात हो रही है। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि उन्होंने क्लियरली तो कुछ कहा नहीं है, तो क्लियर वो शायद 24 या 25 तारीख को और एक मीटिंग है उसमें वो क्लियरली ये बात को कहेंगे, तो तब तक हम वेट करेंगे और यही उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसला आएगा स्टूडेंट के हक में आएगा। तो मैं आपको एक बार फिर से ये कह देती हूँ कि पढ़ाई को आप बिल्कुल बंद मत करिए, आप अपने पढ़ाई से टच में रहिए, ताकि अगर ऑनलाइन एग्जाम भी हो तो आप ऑनलाइन एग्जाम देने की हालत में रहे। और एक बात आपको बता दूं कि हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो हालात बने हुए हैं, तो मैं जो अंदर से मेरे को जो पता चला है, जो हायर ऑफिशियल सीजी बोर्ड के हायर अथॉरिटी से जो मेरी बात हुई है, उससे भी मुझे यही क्लियर हुआ है कि हमारे सीजी बोर्ड भी ऑनलाइन एग्जाम के तरफ सोच रही है। ठीक है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ कि ऑनलाइन जो एग्जाम हमारी सीजी बोर्ड भी लेने के लिए तैयार है, और वो इसके लिए बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। हमारे सीजी बोर्ड के अंदर की बात मैं आपको बता रही हूँ, तो इसीलिए आप पूरी तरीके से तैयार रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। इस बीच अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी याचिका दायर हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, तो पिछले साल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो एग्जाम कैंसिल हो गया था, अभी भी अगर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है 2-4 दिनों में, तो अगर वहां से ऑर्डर आ जाता है कैंसिल होने का एग्जाम, तो आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा, वरना आपके ऑनलाइन एग्जाम्स होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। इसीलिए आप अगर मेरी राय पूछेंगे तो मैं तो यही चाहूंगी कि आपके एग्जाम कैंसिल हो जाए, क्योंकि बहुत सारी जगहों में बच्चों के पास अब तो पढ़ने का भी मन नहीं है और शायद पढ़ा हुआ भी भूल गए हैं। तो मेरी अगर आप राय पूछेंगे तो मैं तो यही चाहूंगी कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, बाकी जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।